प्रदेश सरकार द्वारा बस किरायों में 25% बढ़ोतरी को लेकर हर वर्ग के लोग मुख्यमंत्री के इस फैसले से काफी खफा है। बढ़ाए गए बस किरायों को लेकर जहां विपक्ष में बैठी कांग्रेस, जो कि पहले ही इसका भरपूर विरोध कर चुकी है, तो वहीं आज जिला कम्युनिस्ट पार्टी ने इस कार्य में अपनी असहमति जतलाते हुए धरना प्रदर्शन और नारे लगाए, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को जिला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी सौंपा। सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए प्रदेश सरकार के विरुद्ध बसों में की गई 25% बढ़ोतरी को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया। इन लोगों का कहना है कि बसों के किराए में बढ़ोतरी हिमाचल की गरीब आम जनता पर कड़ा प्रहार है। इस मौके पर बोलते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव नरेंद्र कुमार ने बताया कि आज हमारी पार्टी ने समूचे प्रदेश में सरकार द्वारा बढ़ाए गए बस किरायों पर धरना प्रदर्शन किया है, तो वहीं चंबा में भी इसको लेकर प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य सरकार ने बस किरायों में सीधे सीधे 25% की बढ़ोतरी की है, वह जनता पर बोझ है। उन्होंने कहा कि इस कोरोना काल के दौरान जहां पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार है, तो ऐसे में इतना किराया बढ़ा देना कोई समझदारी का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि होना तो यह चाहिए था कि प्रदेश सरकार इस मुश्किल की घड़ी में लोगों को राहत देती, लेकिन इन्होंने उल्टा जनता पर बोझ डाल दिया है, जिसका कि हमारी पार्टी विरोध करती है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर प्रदेश सरकार इस लिए गए निर्णय को तुरंत वापस नहीं लेती है, तो हमारी पार्टी समूचे प्रदेश भर में इससे भी कहीं ज्यादा उग्र आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेगी। हिमाचल तेज खबर के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट। आज हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की ओर से पूरे प्रदेश के अंदर हमारी राज्य कमेटी के आह्वान पर, जो प्रदेश सरकार ने हाल ही में बस किराए के अंदर 25% बढ़ोतरी की है, उसके खिलाफ आज जिला कार्यालय के बाहर चंबा में धरना प्रदर्शन किया है। ये जो किराए के अंदर वृद्धि की गई है प्रदेश सरकार के द्वारा, ये जनता पर आर्थिक बोझ है। इस कोरोना काल के अंदर जहाँ पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है, हमारे देश के अंदर लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, उन्हें एक रुपए की दरकार है, तो ऐसे में किराया बढ़ाना अपने आप में एक मूर्खता भरा काम है और एक भयानक निर्णय है। इससे जो प्रदेश की जनता है उस पर और आर्थिक बढ़ेगा। हालांकि एक कल्याणकारी राज्य के अंदर इस तरह की महामारी के दौरान राज्य सरकारों का ये काम है कि जो जनता है उसको आर्थिक पैकेज दे, उसको कुछ राहत दे, लेकिन ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार के द्वारा लोगों के ऊपर और बोझ डाल देने की जो है कोशिश की गई है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। और आने वाले समय के अंदर अगर सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती है, इस निर्णय को दोबारा से नहीं देखती है, जनता के पक्ष में नहीं लाती है, तो हम पूरे प्रदेश के अंदर इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे।